हेमंत सोरेन जो 1,000 रुपया दे रहे हैं उनसे खुशी मिली है आपको? तो वो पूरा खुशी है, 4,000 दिया तो खुशी नहीं है। यही योजना अगर पहले आती तो कितनी खुशी होती? तो वही योजना तो पहले आता था लेकिन का हुआ लॉकडाउन हुआ उसके बाद उसको जेल भेज दिया। क्या क्या सरकार के तरफ से क्या कुछ मिला है अब तक तो हमको तो कुछ ऐसा ही मिला ही नहीं है। नहीं, कारण क्या है बताइए? कारण खाली कहा बोले इसमें कारण तो बहुत लेकिन इसमें अभी कारण बताने से भी फिर मीडिया में भी चल जाएगा। नहीं नहीं बताइए, वही चल जाएगा उसमें। जैसे इंदिरा आवास भी आया मेरे घर पास का आया 10-12 का, किसी को अभी तक नहीं मिला। ऊपर से बोलता है कि पैसा दीजिए तब मिलेगा। कौन मांगता है पैसा? अरे ऊपर वाला जो है, ऊपर कर्मचारी सब है, सब जैसे गांव का प्रधान सब। कितना पैसा मांगता? 15-20 हजार रुपया। 15-20 हजार रुपया, सुन लीजिए, 15-20 हजार रुपया मांगा जाता। आप देख रहे हैं केवल सच। पहले चुनाव जो होने वाली थी 13 नवंबर को वो समाप्त हो चुकी है और अभी दूसरे चरण की चुनाव जो है 20 नवंबर को होने है। ऐसे में मैं अभी मौजूद हूँ गोंदली पोखर जो कि टाटी सिल्वे एरिया में पड़ता है और ये जो क्षेत्र है ये खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चारों तरफ, आप एक बार कैमरा घुमा दीजिए कि यहाँ साप्ताहिक बाजार लगी हुई है जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ। आइए यहाँ के लोगों से मैं कुछ बात करती हूँ चुनावी माहौल को लेकर के। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं। क्या भैया क्या बेच रहे हैं सब्जी? कहाँ, इसी एरिया से हैं? इसी एरिया से हैं, बताइए। चुनाव है 20 तारीख को, क्या सोचे हैं? थोड़ा बताइए बताइए माहौल बताइए यहाँ पर। वोट देते हैं ना, थोड़ा यहाँ बैठे। चलिए नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। चलिए चलिए सुनिए ना, क्या बोल चाह रहे हैं? उम्मीद क्या, जो अच्छा उम्मीदवार रहेगा उसी को वोट दिया जाएगा। ये खिजरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है ना? आपका यहाँ आवास कितनी दूरी पे है? यहाँ यहाँ तो घूम रहा है, क्या बोलते हैं इसका, रामकुमार पहान का ही घूम रहा है। नहीं, आपका घर कितनी दूरी पे है? 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर हाँ। यहाँ हर यहाँ बाजार किस किस दिन लगता है? केवल संडे को और ट्यूजडे को, दो दिन। अच्छा, संडे ट्यूजडे को। हाँ। आप यहाँ के खास हुए? हाँ। यहीं पर आप स्थायी हैं? हाँ। इसी एरिया में जी। एक बात बताइए, यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। अब वोट के लिए बारे पूछ रहे तो राम कुमार जी का जा रहा है, उनका जा रहा है। हाँ। उनका कैसा है यहाँ पर? अच्छा है। अच्छा है। और ये राजेश कच्छप, वो भी अच्छा है विधायक, पहले जो बन चुका था एक बार, बहुत अच्छा है विधायक। लेकिन आप देखा जाए तो लोकलों को दिया जाएगा अपना, जैसे हो गया हम लोग राम कुमार पहान जी। राम कुमार पहान। हाँ। आते हैं, मिलते हैं लोगों से, आप लोग से? काहे नहीं मिलते हैं, जान पहचान है। राजेश कच्छप, उससे तो मुलाकात उसे नहीं हुआ है, लेकिन वो भी अच्छा ही है। काम कैसा रहा? काम ऐसा तो ऐसा ही काम, कोई भी ऐसा काम नहीं किया है राजेश कच्छप, भी इधर ऐसा काम नहीं किया कुछ नहीं किया। नहीं, नहीं। और क्या किया सरकार के तरफ से, क्या किया कुछ मिला है अब तक? अब तक तो हमको तो कुछ ऐसा ही मिला ही नहीं है। नहीं, अभी जो सरकार है खुश है उनसे? नहीं खुश नहीं है। नहीं, लीजिए, बता रहे हैं कि अभी जो सरकार है उनसे खुश नहीं है, कारण क्या है बताइए? कारण खाली कहा बोले इसमें, कारण तो बहुत लेकिन इसमें अभी कारण बताने से भी फिर मीडिया में भी चल जाएगा। नहीं नहीं बताइए बताइए, चल जाएगा उसमें। आवाज सुनना है, सरकार को भी सुनना है ना आप लोगों की आवाज, बताइए कारण। देखिए यहाँ जितना कि हम लोग जैसे कि वोट वोट में मतलब इंदिरा आवास सभी आता है, किसी को देता भी नहीं है, जल्दी खा जाता है, ऊपरे में चल जाता है, तो क्या बोले इसमें सरकारे का ना दोस्त बोला जाएगा। जैसे इंदिरा आवास भी आया मेरे घर पास का आया 10-12 का, किसी को अभी तक नहीं मिला। ऊपर से बोलता है कि पैसा दीजिए तब मिलेगा। कौन मांगता है पैसा? अरे ऊपर वाला जो है, ऊपर कर्मचारी सब है, सब जैसे गांव का प्रधान सब। कितना पैसा मांगता है? 15-20 हजार रुपया। 15-20 हजार रुपया, सुन लीजिए, 15-20 हजार रुपया मांगा जाता है। हाँ, तो कौन दिया जब ऊपर से सरकार देता है तो उसको नीचे आता है तो उसको देना चाहिए ना, तो उसको ऊपर से जितना ऊपर है सब खा जाता है, और ऊपर से बोलता है 15-20 हजार रुपया दीजिए तब मिलेगा, तो कौन दिया बोला? तो इसकी शिकायत किसी को करते नहीं? अरे शिकायत करके भी कोई फायदा नहीं है। किसी
किए हैं कि नहीं? नहीं किए हैं। क्यों नहीं करते हैं? अरे कोई हम लोग के पास उतना टाइम भी नहीं रहता है, हम लोग जीने खाने वाले हैं, सब्जी खाने वाले, बस वो सही करते हैं, बस इतना ही में जीने खाना करते हैं, मिले चाहे नहीं मिला पूछना कुछ नहीं लगता है। जैसे कि हम लोग अभी वोट देने जाएंगे तो अभी जो लोकल बस इसको जाएंगे तो सुना ही विधायक बनेगा तो हम लोग को सुना ही जरूर करेगा। सबसे पहले बताइए तो आपका नाम क्या हुआ पहले? मेरा राहुल कुमार महतो। राहुल कुमार जी एक बात बताइए, आप जैसे बोल रहे इंदिरा आवास का बात, और इसके अलावा? ऐसा तो बहुत है, राशन कार्ड जब तक नहीं मिलेगा तब तक कहाँ से बन पाएगा राशन कार्ड? वो भी नहीं बन पा रहा है, बना ही नहीं है। कितना अब फॉर्म भरिए, कितना भरिए, ऊपर से आता है उसके बाद में बोल देता है आपका ओपन ऑनलाइन किया हुआ, वो भी नहीं बन पाता है, सब कैंसिल कर देता है। अच्छा घर में महिला है? महिला है। मैया सम्मान योजना निकला है पता है? हाँ मिला है। मिला है? वो भी नहीं मिला। वो भी नहीं मिला है, वो भी नहीं मिला है। घर पास का बहुत कहा गया लेकिन नहीं मिला है। एक भी नहीं? नहीं अभी चार महीना फॉर्म भरे महिला योजना वाला, चार महीना हो गया फॉर्म भरे। हाँ फॉर्म भरे। हाँ क्या कुछ बोला गया फॉर्म का? हुआ जैसे कि वहाँ ऑनलाइन किया हुआ है, ऑनलाइन करके वहाँ वीडियो को पास में जमा किया गया था, उसके बाद में कुछ नहीं मिला। नहीं क्या बोलता है? कहा बोलेगा? बोलता है कि आचार संहिता खत्म होगा उसके बाद में देखा जाएगा। कितना दिन पहले भरे थे? हो गया मेरा दो महीना हो गया। दो महीना पहले? आचार संहिता लगा हुआ तो अभी एक महीना भी नहीं हुआ है। चलिए ठीक है तो वही ना बोल। और कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं, और देखिए दूसरे। चलिए राहुल जी, राहुल नाम है ना आपका, राहुल जी का इतना ही कुछ कहना था। अभी और कहीं चलते हैं दुकान में, क्या नाम हो चाचा? शंकर केसरी। कहाँ? इसी विधानसभा क्षेत्र से? जी हाँ। कितने किलोमीटर आवास आपका? बस सामने 1/2 किलोमीटर। यहाँ कैसा है संवाद इनका खिचड़ी विधानसभा तो? राजेश कच्छप जी, राजेश कच्छप जी का भी है और आपका बीजेपी का भी है, दोनों ही है। दोनों का बराबर टक्कर लग टक्कर रहा है। टक्कर दोनों का टक्कर दोनों है। का बराबर। अजी अच्छा एक बात बताइए, अभी वर्तमान में जो है राजेश कच्छप जी, उनका काम कैसा है? देखिए उनका काम जो जितना होना चाहिए वो नहीं है, नहीं। और इसके पहले जो विधायक हमारे राम कुमार बहन थे बीजेपी से, इन्हों के जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही, जितना जो 70 साल से विकास नहीं हुई थी वो 5 साल में उन्होंने विकास किया है। क्या कुछ चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं? अभी बदलाव तो चाह ही रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। क्या नाराजगी है, कुछ नाराजगी नहीं, क्या? नहीं, शिकायत किसी, है सरकार किसी, करके? सरकार से शिकायत क्या रहेगी? जो देखिए मुझे बालू है, अब माली इंदिरा आवास मिला है, लोगों को बालू नहीं मिल पा रहा है, अब बालू नहीं मिल पा रहा है तो बेरोजगारी आ गई है, मजदूर भूखे मर रहे हैं, मजदूर पलायन हो रहे हैं, जो भी छड़ सीमेंट का दुकानदार, हार्डवेयर का दुकान है वो प्रभावित है, जिनकी हाईवा चलती है बालू वगैरह में वो सब गाड़ी बैठ गई है, सब कर्ज में डूब रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, सरकार हिंदू मुस्लिम करते हैं, जातिवाद पर बात करती है, ये क्या सही है? नहीं जातिवाद पर हम कोई विशेष चर्चा नहीं करना चाहेंगे। और क्या कुछ चाहते हैं चाचा, बदलाव चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। क्या कुछ हुआ है वर्तमान सरकार को लेकर के 5 सालों में? देखिए जैसे मैया सम्मान योजना थी, जो भी योजनाएं थी आपकी, तो इसको तो देखिए जब आपका वोट का समय आया तो उन्होंने लागू किया। अगर पब्लिक को सोच था, जानना जानने में लोगों का दुख दर्द जानने की भावना थी, तो जब ये सरकार में आए उसी पर इसको लागू करना चाहिए था तो ज्यादा प्रभावित होता लोग। मतलब कहा जाए तो एक तरफ से चुनावी माहौल तो यही कहेंगे। चलिए और भी कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहूंगी। सब्जी ले रहे हैं, एक भैया भी हैं जो सब्जी ले रहे हैं, क्या नाम हुआ? मेरा MD फारूक हुआ। आप इसी क्षेत्र से? हाँ इसी क्षेत्र से हैं। चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल यही है कि अभी हम लोग तो वही कांग्रेस में है, कांग्रेस को दे रहे हैं। कैसा काम रहा राजेश कच्छप? राजेश कच्छप का ठीक है काम, ठीक है काम, अच्छा काम। और कैसा काम किए हैं, और अगर उनकी सरकार बन जाती है तो क्या कुछ चाहेंगे कि क्या और काम करना चाहेंगे? काम वही हम लोग विकास से चाहते हैं। विकास में जैसा? विकास में जैसे मान लीजिए कि मतलब जो हम लोग का देहात क्षेत्र आप जानबे करते हैं, सड़क अच्छी होनी चाहिए। सड़क ठीक नहीं है क्या? सड़क अभी मान लीजिए कुछ दिन पहले बना हुआ है, अभी फिलहाल नहीं बना है। संवाद कैसा है उनका आप लोगों के बीच में? हाँ उनका तो ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। एक चाची भी है यहाँ पर, सब्जी बेच रही हैं, क्या नाम है चाची? चाची किस एरिया से है बताइए ना, किस एरिया से है? कि हाँ यहीं से हैं आप, क्या नाम हुआ? पाको देवी। पाको देवी, पाको देवी, पाको देवी। चुनाव है पता है ना?
का चुनाव? चुनाव है, वोट है, वोट है। हाँ। वोट देना है ना, देना है 20 तारीख को। अभी एक दुकान है जहाँ मनिहारी की दुकान लगी हुई है, एक भैया है इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मकबूल अंसारी। मकबूल अंसारी, मकबूल। अच्छा, 20 तारीख को चुनाव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा है माहौल? माहौल ठीक है, ठीक है। वोट देने थे, वोट देते हैं ना? हाँ देते रहते हैं, हम लोग तो राजेश कच्छप को देते हैं। राजेश कच्छप, राजेश कच्छप जी का काम कैसा है इधर? काम इधर जंगल झाड़ में बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। गरीब को कोई मरता है तो इसको चावल भी देता है, बोरी में एक बोरी चावल देता है। क्या कुछ आ रहे हैं उनको जिताना, वापसी? जिताने की कोशिश कर रहे हैं, जिताने की कोशिश कर रहे हैं। आते हैं लोगों से, आप लोगों से मिलते हैं? कौन? राजेश कच्छप। हाँ, जीतने के बाद 5 साल था तो आता था, शादी में आता था, कोई डेट करता है उसमें आता है, सब कुछ में आता है। हाँ सामान, हाँ एकदम आता है, पूरा आता है, हाथ जोड़ के दादा दादा बोलता है, बहुत अच्छा आदमी है। और महिला कोई है कि नहीं घर में? महिला तो सब है, महिला सब उसी में जाएगा, पंजा छाप में। सब लोग जो है पंजा छाप में ही जा रहे हैं। अच्छा, महिलाओं, महिला कितना है आपके घर में? हमारा घर में है करीब 60-70 को है। 60-70? अच्छा 60-70। भैया सम्मान योजना से लाभ मिला? हाँ पूरा लाभ को सबको मिला है। कितना महीना से पैसा आ रहा है? 4 महीना से आ रहा है। 4 महीना से पैसा आ रहा है, कितना करके? 1,000 करके। 1,000 आ रहा है, संतुष्ट है एकदम? नथी लेडीज तो सब खुश है। अरे एक बात बताइए, बीजेपी भी बोल रही है उनकी सरकार अगर आ जाएगी तो गोगो दीदी योजना जो है हर महीना 2100 रुपया मिलेगा। तो जीत जाएगा तो बढ़िया तो है कि मैंने देगा। फार्म भरे हैं? फार्म तो बोल दिया कि अभी नहीं भरेगा, का के मैंने जीत जाएगा तब। हाँ जीत जाएगा तब देंगे का के। क्या कुछ बोल रहे हैं, इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए ना, क्या कुछ बोल रहे हैं? अरे बोलने के लिए डरते हैं। हाँ, और क्या कुछ बोलेंगे? और क्या बोलेंगे, जैसे बीजेपी का अगर मान लीजिए कि हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री नहीं बना, बीजेपी का बनेगा, तो वो भी 2100 रुपया देगा, तो अब भरोसा दिलाया है, लेकिन अब मिलेगा तब ना। अरे तो हेमंत सोरेन तो दे चुका है ना। हेमंत सोरेन जो 1,000 रुपया दे रहे हैं उनसे खुशी मिली है आपको? तो पूरा खुशी है, 4,000 दिया तो खुशी नहीं है। यही योजना अगर पहले आती तो कितनी खुशी होती? तो वही योजना तो पहले आता था, आता, लेकिन लॉकडाउन हुआ उसके बाद उसको जेल भेज दिया। जेल अभी 5 महीना के लिए गए, तो उससे पहले? उससे पहले तो लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन तो 19-20 में, 21 में था। हाँ, तो बेचारा 23 का काम अच्छा किया है। काम किया है? कैसे किया? जैसे कि? जैसे जहाँ पर रोड नहीं है वहाँ रोड बनवा दिया, PCC करवा दिया। अच्छा, उसके बाद जहाँ पुल नहीं है वहाँ पुल लगवा दिया, इधर जंगल साइड में हम लोग यहाँ रोड बनवा दिया है, चकाचक रोड है। प्रधानमंत्री योजना का भी रोड बना है, मुख्यमंत्री योजना का भी रोड बना है। हाँ मुख्यमंत्री का। हाँ चलिए, आप देख रहे हैं कि ये जो साप्ताहिक बाजार है यहाँ से भी मेरी लोगों से बात हुई, यहाँ पर भी लोग जो हैं कोई कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं तो कोई बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। वो समय ही बताएगा 23 तारीख को कि आखिर लोग, जनता ने जो है किसे ज़्यादा पसंद किया। इसी के साथ मैं गुड्डी साहू, केवल सच न्यूज़।